नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग तारीख है दोस्तों 22 जुलाई 2024 और यहां पे 23 जुलाई 2024 यानी बजट वाले दिन के लिए कुछ बात करूंगा आपसे देखिए आज बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीडियो तो नहीं मिलेगा रीज़न है उसके पीछे का इससे कि कल बजट है भाई वो लेवल तेबल काम नहीं करेगा पहली बात बता दे रहा हूँ कोई लेवल काम नहीं करेगा सारे कल न्यूज़ पर रहेंगे तो न्यूज़ अच्छा रहेगा बजट अच्छा रहेगा तो पॉजिटिव बजट खराब रहेगा तो निगेटिव सीधी सी सीधा कल फ्लेक्चुएसन ही इतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि आप कोई भी लेवल चाहेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा लेकिन इसके बावजूद आज बैंक निपटी ने इक्यावन हज़ार आठ सौ चौहत्तर का लो मारा था मैंने कल परसों तरसों और पहले भी बोला है कि बावन हज़ार के नीचे जाने पे वो इक्यावन आठ सौ तक जाने की क्षमता रखता है आपने देखा एकावन आठ सौ चौहत्तर से बाउंस कर गया यानी इसके नीचे वो नहीं जा रहा है अब आपके दिमाग में डिफॉल्ट समझ में आ जाना चाहिए कि इक्यावन आठ सौ इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो अगर टूट गया तो ये वापस से इक्यावन हज़ार के लेवल को क्लेम कर जाएगा यानी वहाँ से आठ सौ पॉइंट बारह सौ पॉइंट भी गिर सकता है अगर ये इक्यावन आठ सौ के नीचे सस्टेन कर गया तो क्योंकि कल ऐसे भी बजट है मान लेते और अभी बावन हज़ार पाँच सौ के ऊपर नहीं गया मैंने लाइव ट्रेड के वीडियो में भी ये बात कहा था आज आप लाइव ट्रेड का वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें कह दिया कि बावन हज़ार पाँच सौ के ऊपर जाना इसको मुश्किल है तो नहीं गया बावन चार सौ कुछ का हाई लगा के चला चलाया गिर गया तो बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है सपोर्ट को रजिस्टेंस को बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है और कल आप ट्रेड अगर एक आध दिन देखिए बड़ा इवेंट जब होता है ना तो एक आध दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं क्यों क्योंकि लगे लगे दो इवेंट है आपके साथ कैसे एक तो कल पहले है आपका बजट तेईस तारीख को और चौबीस को है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी ठीक है तो अब ये थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि भाई कल जो बजट है तो बजट का इम्पैक्ट सेम डे पड़ जाएगा या फिर उसको एक्सपायरी के लिए बड़े ट्रेडर लोग होल्ड करके रखेंगे क्योंकि देखिए हमारे और आपके लेने से स्टॉक मार्केट नहीं घूमता है गलत फहमी मत पालिएगा कि आपके और मेरे लेने से स्टॉक मार्केट में मूवमेंट आता है नहीं हमारे और आप तो हम, हम लोग बच्चा हो गए बुतरू नहीं बोलते बुतरू हैं हम लोग हम लोग बुतरू हो गए है ना बुतरू के लेने से नहीं चलेगा स्टॉक मार्केट बड़का पिताजी लोग जब रहता है ना फॉरेन वाला डी वाला तब जाके स्टॉक मार्केट में मूव होता है तो अब इन लोगों का समझना कि ये लोग कल के लिए कल का कल प्ले कर जाएगा या फिर एक्सपायरी के लिए बचा कर रखेगा ठीक है अगर ये कल प्ले करता है तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट दिमाग में लेवल होगा एकावन आठ सौ के नीचे जाएंगे तो सेल करेंगे सीधा बावन आठ सौ के ऊपर सस्टेन करेगा तो बाय करेंगे बीच में कुछ नहीं करेंगे अगर बहुत तेज़ दिमाग है आपका बहुत दिमागी आदमी आप हैं तो नीचे पे लीजिए ऊपर पे बेचिए ऊपर पे बेचिए नीचे पे लीजिए मतलब तो उस रेंज को आप प्ले करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बस सकते हैं आपकी स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे अगर स्किल अच्छी नहीं है उतना प्रैक्टिस नहीं है आपका बहुत फास्ट इंट्री एग्जिट नहीं कर सकते तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम पैदा कर सकता है इसीलिए मैंने बोला आपको कि भाई कल थोड़ा सावधान हो जाए एक आध दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो ऐसा कोई बात नहीं कि डॉक्टर आपको कह दिया है कि भाई डेली दो दो घंटा ट्रेड करना उसके बाद तुम्हारा ये बीमारी ठीक हो जाएगा ऐसा तो डॉक्टर ने बोला नहीं है है ना तो नहीं करेंगे एक आध दो दिन ट्रेड तो कौन सा बात मार्केट कौन सा भागा जा रहा है यही होगा इक्यावन हज़ार आठ सौ पर है बावन हज़ार पर हो सकता है तिरपन हज़ार या चौवन हज़ार पर मिले या फिर पचास हज़ार पर मिले यही तो होगा और क्या होगा एक ट्रेडर के लिए इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो तो मार्केट किस जगह पे जा रहा है किस जगह पर नहीं है उसको अपने पॉइंट से मतलब होता है उतना पॉइंट उसको आ गया उसके बाद कहते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में भाड़ में जाए मार्केट अपना काम हो गया भाड़ में जाए मार्केट मैंने कॉल ऑप्शन दिया था स्पूट दिया ही नहीं बैंक निफ्टी का क्यों क्योंकि इक्यावन आठ सौ चौहत्तर इंपॉर्टेंट लेवल था वहाँ से मैंने कहा था कि वहाँ से गिरावट नहीं आना चाहिए वहाँ से बाउंस आएगा और वहाँ पर बाय करेंगे और एकदम बाइंग हुआ वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ कॉल ऑप्शन दिया था सारे टारगेट डन हो गए टाटा मोटर्स दिया था सारे टारगेट आ गए वो तो और ऊपर भी चला गया है ना मेरे टेलीग्राम और आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप आते आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल पर तो क्या बताया मैंने कि कल एक आधे दिन ट्रेड नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रोना पीटना नहीं है इसमें कि हाँ गेम अगर ट्रेड कर लेते तो मजा आ जाता नहीं करना ऐसे ये सब गैमलिंग का निशानी है ना ये सब नशेड़ियों का आदत होता है नशेड़ी को जब तक छुट्टा नहीं मारेगा ना उसको नींद नहीं आता है देखा नशेड़ी जो होते हैं जब तक कस नहीं मार लेगा एक दो तो नींद ही नहीं आएगा उसका दिमाग पागल पागल करेगा वो नशेड़ी का आदत होता है एक आध ट्रेड जब तक कर नहीं ले नहीं लेगा तो बेचैनी अंदर में लगा रहता है नशेड़ी हैं अगर आप तो करिए करते रहिए और नहीं अगर सिंसियर ट्रेडर है अच्छे ट्रेडर है अच्छा माइंड है तो फिर भाई बिजनेस की तरह देखते हैं तो एक आध दिन ट्रेड नहीं भी करेंगे तो कौन सा मार्केट में अगर आप दुकान खोलते हैं कपड़े का चौमीन का चाट का गोलगप्पे का एक आध दिन नहीं भी खोले तो कौन सा दिक्कत है अगले दिन फिर आप खोलते हैं कि नहीं आज मार्केट सही नहीं लग रहा है दुकानदारी नहीं है तो बंद कर दिए नहीं करेंगे आज मार्केट समझ में नहीं आ रहा है नहीं करेंगे ट्रेड अगले दिन कर लेंगे जबरदस्ती का घुस के अपने आप को कौन सा मारे अपन को लाइफ में कुछ डेरिंग करने का है नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनना है क्या नहीं ना ऐसा नहीं करना है ठीक है तो क्या समझ में आया बैंक निफ्टी निफ्टी का लेवल नहीं दूंगा क्योंकि कल है बजट डे और उसमें कोई लेबल वगैरह काम नहीं करेगा शुरुआत में जैसे जैसे बजट बोलना शुरू करेंगे दस बजे वित्त मंत्री मैम एफ एम साहिबा वो जो है मार्केट में भूल ऊपर नीचे और अगर बहुत अच्छा लगता है कि नहीं आप कर सकते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम को यूज़ कर लिए मैंने एक टाइम फ्रेम वाला वीडियो बनाया था ना कि सिचुएशन में कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है आप उसको करिए लेकिन ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करना है मैं तो कहता हूँ नहीं करना है नहीं करना है भैया कौन माइकल लाल हमसे करवा लेगा स्क्रीन खुला रहेगा सिस्टम खुला रहेगा लेकिन देखते हैं कौन माइकल लाल हमसे करवा लेता है ये अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लिए ना तो आपका साइकोलॉजी बहुत अच्छा हो जाएगा आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी साइकोलॉजी बहुत ताकत वाली हो जाएगी और तब आप एक सफल ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ जाएंगे गैमलिंग करना है तो गैमलिंग तो कोई कर लेगा बाय सेल करने में कोई दिक्कत है बाय बटन दबो सेल बटन दबो हो गया बाय सेल आप ट्रेड कर लेते हैं बाय से लेकिन सही ट्रेड करना समझ के ट्रेड करना अंतर होता है है ना सिंसियरटी के साथ ट्रेड करना सब कुछ बूझ के ट्रेड करना उसका अलग बात होता है और गैमलिंग करना वो तो भैया जीवन भर चलता रहेगा उसका क्या है तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि भैया कल ट्रेड ना करें थोड़ा तो संभल करें भी तो छोटे साइज में करें छोटे लॉट में करें क्योंकि सारे लोगों को तो कीड़ा काटा रहता है ऑप्शन ट्रेडिंग का है ना चाहे नया रहे चाहे पुराना रहे पुराने वालों का तो मैं फिर भी आ, कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस वाले हो गए लेकिन जो नए नए आए हैं दो महीना चार महीना पाँच महीना साल दे ऑप्शन दे ऑप्शन स्टॉक के बारे में पूछे तो कहता है हमको क्या पता है स्टॉक क्या होता है वो क्या होता है कोई पूछ रहा है अडानी पोर्ट हमको दो ही रुपये में मिल गया अरे अडानी पोर्ट कौन सा दो रुपये मिलता है भाई समझ में आ चाहे ऑप्शन का बात कर रहा है उसको स्टॉक्स पता ही नहीं तो भैया जी थोड़ा सा कम लॉट में करिएगा कंट्रोल में रह के करिएगा पैसा बचेगा ना तो परसों कर लीजिएगा पैसा नहीं बचेगा तो परसों कैसे कीजिएगा समझिए ना है ना शुक्ला जी ज़रा समझिए आप है ना शुक्ला जी शर्मा जी वर्मा जी है ना जो भी है सब समझिए ना है ना पैसा ही नहीं बचेगा तो कैसे कीजिएगा मालिक थोड़ा सा संभल के ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद